बिल्ला हराम की खा खा कर मोटा हो गया होता है और ये अपने तोंद को बॉक्सिंग बैग बना लेता है। चड्ढा समझाओ इसे। बिल्ला दिन रात सिर्फ हराम की खाकर टीवी देखा करता था। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। तभी इसके मोटापे का फायदा उठाकर चूहा रिमोट से बजा देता है और वहाँ से भागने लगता है। पर बिल्ला मोटापे के कारण बीच रास्ते में ही थक जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये देख चूहा इसे एक पंच धर देता है। चूहा इसे भगाते भगाते जिम में ले आता है। तभी चूहा मोटे बिल्ले को डंबल उठाने को बोलता है। आजा आजा आजा। डंबल उठाते ही चूहा बिल्ले को परेशान करने लगता है। गर, 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 गर। मर गया भैया। तभी चूहा इस बिल्ले को 10 किलो का डंबल बोल के 100 किलो का उठवाने लगता है। ये गड़बड़ है बाबा। ये देख बिल्ला इसे पागलों की तरह दौड़ा लेता है। तू गया बेटा। बिल्ला अनजाने में इतनी मेहनत कर लेता है कि इसके डोले सोले निकल आते हैं। कुछ चले तो ये साला टिल्लू अवल दर्जे का चोर होता है और इस भेड़ को चुरा कर ले जा रहा था। मगर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ। तभी शेरू इस चोर का टिल्लू का पोस्टर फाड़ देता है। इस बार टिल्लू हवा हवाई बनकर जा रहा होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तभी शेरू इसके दोनों गुम्मबारे फोड़ देता है। सपनी देखना अच्छी बात। फिर ये टिल्लू शेरू के नाक के नीचे से भेड़ चुराने लगता है। अरे भिक मंगया, भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख शेरू भी इसका नाक मुंह बराबर कर देता है। 500 में। इस बार टिल्लू सबसे पहले शेरू को रास्ते से हटाने जाता है। टिल्लू शेरू को निरहुआ का गाना सुनाकर सुला देता है। हेलो हाउ आर यू। और ये सपनों का भड़वा बनकर एक भेड़ चुरा ले आता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये दोनों तो जादूगर शहंशाह को भी पीछे छोड़ देते हैं। गधे ने देखा कि उसका मालिक उसके साइज की कब्र खोद रहा है। गधा भागा और शहर जाकर सिंगर बनने के सपने देखने लगा। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय मस्त प्लान है। रास्ते में एक कुत्ता आंसू बहा रहा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गधे ने पूछा, और गंगरू शेर कैसा चल रहा है धंधा पानी? तो कुत्ता फ्लैशबैक में जाकर अपनी स्टोरी सुनाने लगा। यह साला कुत्ता जब जवान था तो एक साथ 43 खरगोश और कई मुर्गियां पकड़ लेता था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से इसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया था। तेरी बहन ब्याह कर बका। और उसने कुत्ते को भी अपने साथ मिला लिया। चलो। तभी उन्हें रास्ते में बिल्ली के चिंघाड़ने की आवाज आई। दोनों ने कुएं से बिल्ली को निकाला। बिल्ली को इसके मालकिन ने बूढ़े होने की वजह से पानी में फेंक दिया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। गधे ने उसको भी अपने साथ मिला लिया। तीनों साथ जाने लगे। तभी तीनों ने देखा, पार्ट टू के लिए इमोजी कमेंट। आदमी दीवार पर नीली पेंट कर रहा था, वहीं तेंदुआ नीचे से गुलाबी पेंट करते जा रहा था। पेंट करते समय जब आदमी की नजर दीवार पर जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। खराब पेंट समझकर आदमी उसे बाहर फेंक देता है। अब की बार छोटा आदमी खंभे पर नीली पेंट कर रहा था, लेकिन नालायक तेंदुआ उसी के ऊपर गुलाबी पेंट कर रहा था। खंभे पर गुलाबी पेंट देखकर छोटा आदमी गुस्से में लाल हो जाता है। गुस्से से लाल आदमी तेंदुए के पीछे पड़ जाता है। काफी देर पीछा करने के बाद भी तेंदुआ आदमी के पकड़ में नहीं आता। इसी बीच उसकी नजर तेंदुए के पैरों पर जाती है, पर आदमी उसे चूहा समझता है। इस बार छोटा आदमी दरवाजे पर नीली पेंट करता है, लेकिन तेंदुआ उसे गुलाबी कर देता है। दरवाजे पर गुलाबी पेंट देखकर आदमी जाता है और एक बड़ी ब्रश लाकर पूरे दरवाजे को नीला कर देता है। नालायक तेंदुआ आदमी के जाते ही दरवाजा गुलाबी कर देता है। छोटे आदमी ने बड़ी मेहनत से कमरे को पेंट किया था। पेंट हो जाने के बाद आदमी वहां से चला जाता है। आदमी के जाते ही तेंदुआ एक मशीन लेकर कमरे में रखता है, फिर जाकर उसे चालू कर देता है। मशीन चालू होते ही उससे गुलाबी पेंट निकलती है, जिससे कुछ देर बाद ही पूरा कमरा गुलाबी हो जाता है। पेंट हो जाने के बाद तेंदुआ मशीन को खींच लेता है। आदमी की नजर जब कमरे पर जाती है तो वहां से तेंदुआ जा रहा था। तेंदुए को देखते ही आदमी बंदूक लेकर उसे मारने के पीछे पड़ जाता है। आदमी को आता देख तेंदुआ जान बचाकर भागता है। पेंट से परेशान आदमी उन्हें लेकर एक गड्ढे में फेंकता है और उस गड्ढे को मिट्टी से पूर देता है। गुलाबी पेंट से छुटकारा पाकर आदमी बहुत खुश होता है।